हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हम यहाँ अपनी शुभि के साथ खेल रहे हैं। शुभि राधे राधे कर दो। हाँ, ये आप लगाती हो ना, ये हमें पता है, इसका ऐड नहीं करना है आपको। राधे राधे कर दो। देखो वहाँ पे, देखो शुभि दिख रही है ना। राधे राधे, राधे राधे कर दो। ये बहुत बहुत बच्चा हो गया, राधे राधे निकल रहा है। और शुभि की मम्मा आ गई। हाँ शुभि, गाना गा के दिखाओ। शुभि डांस कर लो। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार। शुभि की मम्मी मुझे पीछे से डंडा दिखा रही है। गाइस मैं दिखाती हूँ आप सभी से, ये देखिए। मम्मी मैं डंडा नहीं दिखा रही, मैं सफाई कर दी तो मुझे मिला है। ये मिला है या ये तुम्हें दिया गया है किसी के लिए? बताओ बताओ। हाँ ग्रांटेड हो चुकी है। क्यों मिला है बताओ? नहीं बता सकती। नहीं बताएगी तो, नहीं बताएगी तो आप सभी गैस कीजिए कि हमने पापा का जो वो डंडा है वो छोटी को क्यों दिया है, किसके लिए दिया है? क्या वो शुभि के लिए है या घर के किसी और बालक के लिए है जो बिगड़ा हुआ है, जिसे सुधारने का जिम्मा हमारी छोटी बहू को मिला है? हाँ तो अभी क्या क्या करनी थी, शाम के 4 बज रहे हैं तो शाम की चाय बन रही है पापा की। इस टाइम सिर्फ पापा के लिए बनती है क्योंकि हम लोग खा पी के आराम करते हैं, तो इस टाइम हम लोग चाय इतनी जल्दी नहीं पीते। आओ बैठो, आ जाओ। तो हमने जो है सुबह से आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत कुछ हुआ है घर में सुबह से, बहुत कुछ हुआ है मतलब कि मतलब डेली रूटीन हो चुका है, नाश्ता खाना सब कुछ। हाँ खाना क्या बना, नाश्ते में क्या बना, खाने में, वो सब आप दीदी के ब्लॉग में देख सकते हैं। ये तो पहले से ही पता है, तो कुछ कुछ प्लानिंग कर रखी है भाई। जैसा कि दीदी ब्लॉग में बताती हैं कि आजकल एग्ज़ाम दो दो दिन तीन दिन की छुट्टी पे पड़ रहा है, तो गर्मी की छुट्टियों वाला माहौल बना रखा है घर में कि ये बनाओ वो बनाओ, सुबह भूख लग रही है शाम भूख लग रही है ना, भूख 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 कर रखा है दोनों ने। हाँ ये बात भी है, पर वही लगना पड़ता है। और ये देखिए गौर से सुन रही है, क्या हो रहा है शुभि? अनार खा रही है शुभि, खून बढ़ा रही है, तो आप सभी भी खूब अनार खाइए, है ना शुभि? विक्स कहाँ है? विक्स विक्स कैसे लगाते हैं बता दो, इसमें बता दो, इसमें विक्स कैसे लगाते हैं? कहाँ है विक्स? बड़ी माँ का विक्स कहाँ है? दिखाओ विक्स, कर दो उधर मुंह घुमा के, इसने ऐसे किया। ये देखिए ये देखिए, एक सेकंड एक सेकंड, दिखाओ विक्स कहाँ है, कहाँ है विक्स? देखो जैसे ही कैमरा लाती हूँ ना चुप हो जाती है। सुबह विक्स कैसे लगाते हैं? विक्स बता दो, देखो मुंह घुमा के बताती है। मैं कितना कैमरा घुमाऊँ, ये देखिए आप, ये देखिए कहाँ घुस गिर गई है, घुस के विक्स लगाओ ना। जिद्दी है इतनी ज़्यादा। और शुभी के बाबा जो हैं वो चाय पी रहे हैं, शुभी को बता रहे हैं। वो आपको दिख रहे होंगे पर्दे के किनारे में, बउआ खड़े हैं, इशारे से बुला रहे हैं अपनी बउआ इनको, इधर आओ कर रहे हैं। तो जाओ अभी जाओ, जाओ तुम्हारा बुलावा आया, जाओ जाओ बुलावा आया है, शुभी के पापा ने बुलाया है। शुभी चुभी विक्स लगा लो, चुभी विक्स लगा लो, विक्स कहाँ है? लाओ मेरा विक्स दे दो, कहाँ है विक्स बता दो, कैच लगाते हैं विक्स? नहीं लगाओगे, पाउडर लगाओगे? विक्स भी लगा लो, विक्स भी लगा दो विक्स लगा लो। ये देखिए ये है इस बेड का राज, यहाँ। हम तो इस डंडे से रिलेट कुछ और ही बात कर रहे थे, बुआ आपने तो कुछ और ही दिखा दिया। ये पता नहीं नीचे एक अनार का दाना गिर गया है और उसको ढूंढने में जो है ये लगी हुई है मैडम। और केशव वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दीदी भी फ़ोन पे बिजी हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रही है ना। अच्छा बुआ खाना खाने आए हैं। ये कहते हैं ये परीक्षा है तुम्हारी कि सब खाना खा लें उसके बाद भी तुमने मेरी थाली में सब कुछ प्रॉपर रखा है या नहीं रखा है। ये एक पत्नी की परीक्षा है ना, कि सब कुछ सबके खाने के बाद भी तुमने बउआ के हिस्से का खाना सही से बचा के रखा है कि नहीं। ये एक डंडे के पीछे तीनों मियाँ बीबी घिर चुके हैं, अभी शुभी खेल। हाँ
गुस्सा भी करेगी, प्यार भी करेगी। हाँ देखो डंडा लेके कह रही है, किसको नाच रहे हो, किसको? दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। गाना है ना, आप सभी ने भी सुना होगा, ये करिश्मा कपूर का और क्या उसका, जितेंद्र की एक पिक्चर का गाना है जिसमें जितेंद्र दादाजी होते हैं और ये गाना आता है दादाजी की छड़ी हूँ मैं। करिश्मा कपूर पोती का रोल करा हुआ है करिश्मा कपूर ने उसमें, वही वही है दादाजी, यही पोती लग रही है और छड़ी भी दादाजी की है, तो गाना बिल्कुल सूट कर रहा है हमारी शुभी पे। और ये और आप सभी बताइए, आप सभी की भी लाइफ थोड़ी सी जो है अभी चेंज हुई होगी, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है घर में ना, बच्चे बीमार हो रहे हैं घर घर में, तो थोड़ा सा हेल्थ का जो है थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे घर पे मम्मी बीमार हैं, छोटी वाली बहन का बेटा वो भी बीमार है, मतलब वायरल हो रहा है, सीज़न एकदम से जो है चेंज हो गया। रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी लगती है, और अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप बैठे हुए हैं तो आपको कम पंखे में भी अच्छी गुड फीलिंग होती है, तो तेज़ तेज़ पंखे चलना, एसी एकदम से जो है सब कुछ बंद हुआ है, तो मौसम चेंज का कितना असर हो रहा है। हमारे यहाँ भी उतना नहीं हुआ है, शुभी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था, ये देखो आ गए एक पंखे के दुश्मन, अब मुझे कमरा चेंज करना पड़ेगा। बउआ ने यहाँ पे पंखा कम करवा दिया है क्योंकि बउआ को, पापा को और बउआ के भाई जी को, इन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और ये देखो शुभी ने यहाँ पे क्या किया है, सारे अनार मेरे यहाँ पे गिरा दिए हैं कटोरी, कब गिरे मुझे पता भी नहीं चला। तो आज मैंने शैम्पू किया है इसलिए मेरी चुन्नी भी जो है वो सर पर टिक नहीं रही है, फिसल रही है सर पर। पापा चाय पी रहे हैं, पापा से मिलवाती हूँ आप सभी को बहुत दिनों से। शुभी, शुभी की तो बस बात ही मत कीजिए, फंस गई। ये देखो शुभी यहाँ पे फंस गई, देखो कितनी जरा सी जगह पे, उठो उठो शुभी, उठो शुभी, उठ जाओ, उठो जवान, उठो 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 उठो, पाउडर लेने के लिए। मेहनत सफल हो गई शुभी, विक्स, इसको विक्स की डिब्बी दिखाओ ना, देखो देखो पकड़ लिया मैंने, कैच कर ली मैंने इसकी, इसके एक्सप्रेशन में तब से आप सभी को दिखा नहीं पा रही थी, इतनी सी जगह में घुसे जा रही है, घुसे जा रही है। वो देखो वो आ गया विक्स, इधर आओ इधर, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, ये देखिए देखिए विक्स देख के, ये क्या है शुभी, क्या है ये? विक्स लगा रही है, बड़ी मम्मी को विक्स लगा रही है। मुझे मुझे दे दो शुभी, दे दो दे दो दे दो ना, देगी नहीं ना, मुझे दे दो। और एक्साइटमेंट देखो, ये पंजों पे खड़ी हो जाती है खुशी के मारे, मुझे दे दो। तो क्या क्या आया है बउआ की थाली में आज? दाल रोटी करेले की भुजिया और घिया की सब्जी, घिया आलू की सब्जी है। बउआ खाना खा रहे हैं और बेटी जो है वो देख रही है पापा कैसे खाना खा रहे हैं, है ना। पापा हमारे तैयार हैं दुकान पे जाने के। ये रहे आप सभी के नाना बाबा, पापा हेलो गाइस, हेलो कह दिया मम्मी को, चल के ना हेलो गाइस, अभी कहते हैं हेलो गाइस, हेलो गाइस का ब्लॉग कहियो मम्मी को, चल के ना। हां बहुत दिन से भेंट नहीं करने चल के ना, ड्यूटी के टाइम भोग गेल, टाइम भोग गेल, समय के पाबंद जो होते हैं ना, समय से चलने, समय से 5 मिनट पहले, इसीलिए इनको फौजी साहब दीदी बोलती हैं, तो सभी पूछने लगते हैं सभी ब्लॉग में कि कौन सी फौज में थे, नाना फौजी थे क्या, कब रिटायर हुए। वो फौजी हम इसलिए कहते हैं कि एक फौजियों को वक्त का बहुत वो होता है, इम्पोर्टेंस पता होता है, और एक हमारे पापा को पता है, इस पूरे घर में सिर्फ पापा को पता है, है ना। आप पोती से खेल लीजिए 5 मिनट, विक्स आज ये पूरे घर के हिस्से का विक्स लगाएगी शुभी, विक्स बाबा ये रे, बाबा ये रे, ये रे बाबा, हाँ बाबा आओ आओ, बोलो बाबा आओ आओ, फैल गई, क्यों फैल गई, क्या हो गया, चलो गेट पे, चलो टाटा, चलो टाटा, चलो बाबा के साथ टाटा कर दो, पहले वो विक्स लगाएगी। कहाँ है शुभी, हो कहाँ है वो, ये तो छूने लग रही है शुभी, पीछे पीछे भागो 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 भागो, भागी भागी भागी। देखो ये ना, ये नहीं डरने वाली, ये दबंग लड़की है,
नहीं डरेगी किसी से, डरा के रखेगी। देखो हूँ कह के डरा रही थी मैं इसे, अब वो तो उसमें उसको पाउडर लगाने जा रही है।